एक पॉपअप क्रिएट कर लेना है। तो पॉपअप की डिज़ाइन फोटोशॉप में हम क्रिएट कर लेते हैं, काम करते हैं, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। सॉरी, एक लेयर ले लेंगे, उसको थोड़ा सा ब्लैक दे देते कलर और ओपेसिटी डाउन कर देते। ओके, एक और न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पर हम एक राउंड रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। जो कलर है वो वाइट दे देते कुछ इस तरीके से, और इसका जो रेडियस है उसको हम 30 पिक्सल का दे देते। ओके, अब लेयर्स में जाते हैं, इसको कंट्रोल जे करेंगे, नीचे वाला जो लेयर है उसको कलर ओवर ले दे दे और थोड़ा सा डार्क कर देते कुछ इस तरीके से। अब हम इसको कलर ओवरले यहाँ से नहीं देंगे, इसको ग्रुप बनाएंगे, हम देंगे पॉपअप और ये फोल्डर को डबल क्लिक करके कलर ओवरले देंगे, ओपेसिटी डाउन रखेंगे और कलर दे देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, या तो ये हमारा कलर वाला पॉपअप हो चुका है। यहाँ इधर हम एक कॉइन इमेज को ले लेते, फिर से कहाँ गए हमारी ग्राफिक्स शॉप पूरी, इधर हम कॉइन ले लेते, ओके। अब ये वाला जो कॉइन है उसकी लेयर को सिलेक्ट करके हम इसको स्ट्रोक दे देते, डबल क्लिक करके स्ट्रोक की जो साइज है थोड़ी सी बढ़ा देते, आई थिंक 3 ओके है। यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेंगे नॉट इनफ पॉइंट्स, इसको वाइट दे देंगे और स्केल अप कर देंगे नॉट इनफ पॉइंट्स। अब इसको हम स्ट्रोक दे देते थोड़ी कम कर देते हैं इसकी और ड्रॉप से दे देते हैं। ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं। कॉइन की साइज थोड़ी और डाउन कर देते हैं। आई थिंक ये अभी के लिए चल जाएगा नॉट इनफ कॉइन्स। ये पॉपअप हमारे लाए लेके आते हैं और इसको सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में डालेंगे नॉट इनफ कॉइंस पॉपअप। ओके, इसको हम क्विक एक्सपोर्ट एज PNG देंगे और यहाँ पर हम PNG में एक्सपोर्ट कर लेंगे। कहाँ गया, ये आ गया है हमारा नॉट इनफ कॉइंस पॉपअप। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे शॉप वाले फोल्डर के अंदर और इसको सिलेक्ट करेगा स्प्राइट 2D UI ओवरराइड फॉर एंड्रॉइड एंड 1024 में कंप्रेस कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक और पैनल लेनी है, UI पैनल नॉट इनफ पॉइंट पैनल। इसको हम रेकास्ट टारगेट ऑन रखेंगे, ब्लैक कर देंगे, थोड़ा और डार्क कर देंगे और इसका जो स्केल है 1.01 कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक इमेज लेंगे, इमेज को रेकास्ट हटा देंगे, मास्केबल हटा देंगे, विथ हम लेंगे 500, आई थिंक 500 ओके हो जाएगा और 200 ओके, और
असाइन कर देंगे इमेज 200 की जगह पे 150 160 160 सही रहेगा। नॉट इनफ कॉइन्स का पॉपअप यहाँ पर लेकर आए, हम इसको इस साइड ऊपर ले लेंगे थोड़ा, नॉट इनफ कॉइन्स, ओके या चलेगा। चलो ना पॉपअप इमेज, अब हमें इसको सिर्फ एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, एनिमेटर टैब ले लेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे, क्रिएट करेंगे और एनिमेशंस में यूआई में एक फोल्डर बना लेंगे नॉट इनफ कॉइन पैनल, ओके। और इसको यहाँ पर शॉर्ट में दे देंगे नॉट इनफ पैनल एनी पैनल एनिमेशन, ओके। क्या होगा, शुरू में ओपेसिटी डाउन होगी और 0.20 तक में ओपेसिटी अप हो जाएगी, सही है। फिर 40 तक रहेगी या फिर 1 तक रहेगी, और 1 के बाद में 130 पे वो फिर से ओपेसिटी डाउन हो जाएगी, ओके। प्ले करके देख लेते, आया और गया। वैसे ही हमारे को ये जो हमारा पॉपअप इमेज है इसको साइड से लाएंगे, पोजीशन यहाँ पर रहेगा, इधर हम इसको सेंटर में लेके आएंगे 0x में, यहाँ पर भी वो 0 में ही रहेगा और फिर आगे चला जाएगा इधर, ओके। एक बार प्ले करके देखते हैं, नॉट इनफ कॉइन्स नॉट इनफ कॉइन्स नॉट इनफ, ओके। तो अब ये जो लूप है सिर्फ ये लूप को हमें बंद कर देना है, कहाँ गया हमारा लूप, एनिमेशंस यूआई नॉट इनफ कॉइन्स एनी और लूप ऑफ। तो हाँ, कहाँ थे हम, अब जब भी हम ऑन करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जो नॉट इन ऑफ कॉइन वाला पैनल है ना, सिर्फ इसको ऑन करके कुछ समय के बाद में ऑफ कर देना है। तो कब ऑन करना है हमें, प्लेयर शॉप के अंदर हमें ऑन ऑफ करना है। तो प्लेयर शॉप की स्क्रिप्ट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, क्या नाम है हमारा, नॉट इनफ कॉइन पैनल, ओके। अब एकदम लास्ट के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते void show not enough canvas या फिर पैनल, ओके। void के अंदर नहीं, हमें काम करते आई नंबरेटर ले लेते, आई नंबरेटर, और यहाँ पर हम यील्ड रिटर्न दे देंगे न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, और सेकेंड्स हमें करनी है 1.5f, ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट इनफ पॉइंट पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू करेंगे, और 1.5 के बाद में यहाँ पर सेट एक्टिव फॉल्स कर देंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको हम स्टार्ट कर रूटीन में डालेंगे, जहाँ जहाँ पर नॉट इनफ पॉइंट है वहाँ पर। तो कहाँ पर है नॉट इनफ पॉइंट, इधर है। तो स्टार्ट कर रूटीन नॉट इनफ कॉइन पैनल, ओके। सो अब इधर भी नॉट इनफ कॉइंस में दे देंगे, नॉट इनफ कॉइंस नॉट इनफ कॉइंस, और तेरी फोर, यहाँ पर भी नॉट इनफ कॉइंस, सब में आ गया, ओके। अब ये जो पैनल हमने गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराए उसको हम असाइन कर देंगे स्क्रिप्ट के अंदर, कहाँ पर, इधर है। तो ये नॉट इनफ पॉइंट पैनल वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है इधर असाइन कर देंगे। अब एडिट क्लियर ऑल प्लेयर क्रिप्स करेंगे, प्ले करते
तो पहले तो परचेस हो जाएगा, अब उसके बाद में नॉट इनफ कॉइन आ गया। ओके, चाहे किसी पर भी आप क्लिक करो वो नॉट इनफ कॉइन पैनल को शो कर देगा। चलो सही है, अब हमें क्या करना है, ये जो शॉप है इसको हमें क्लोज बटन भी तो देना है। तो यहाँ पर एक शॉप पैनल के अंदर एक क्लोज बटन ले लेते हैं। हमारे पास क्लोज बटन की यूआई है या नहीं है, ग्राफिक्स में टू डी शॉप, ओके क्लोज बटन, काम करते हैं हम क्लोज बटन को फोटोशॉप में बना ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, ग्राउंड रेक्टेंगल लेते हैं, इसको फिल कर देंगे वाइट से और रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे। ओके, इसको दूसरा निकाला, रोटेट करेंगे 45 नहीं माइनस 180 डिग्री, 90 डिग्री पे हमें रोटेट करना होगा सीरीज पे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है क्लोज बटन रेडी। लेयर्स में जाएंगे, ये दोनों को मर्ज कर देंगे ग्रुप बना के, क्लोज बटन, इसको क्विक एक्सपोर्ट एस पी एन जी दे देते हैं क्लोज बटन को, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हमारे ग्राफिक्स फोल्डर के अंदर। और फिर से स्प्राइट 2D ओवरराइड फॉर एंड्रॉइड एंड 1024। ओके, अब यहाँ पर हमें जो हमारी करंट कैनवास है इस जगह पर ऊपर टॉप में हमें चाहिए क्लोज बटन, टॉप लेफ्ट टॉप राइट। तो यहाँ पर एक यूआई बटन लेंगे जिसका नाम होगा क्लोज बटन, टेक्स्ट हटा देते हैं, साइज हम 100x100 रख लेते इधर, और इसको अल्ट प्रेस करके टॉप राइट कॉर्नर में दे देंगे, थोड़ा बहुत नीचे ले लेते और इसकी इमेज अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। साइज बहुत ज़्यादा है, 50x50 भी चलेगी, बट फिर बटन पे क्लिक नहीं हो पाएगा, तो हम 100x100 ले लेते। इसको हम नन पे ही रहने देंगे, ओपेसिटी डाउन कर देंगे, और इसके अंदर हम इमेज ले लेते यूआई इमेज जिसका हम रेकास्ट टारगेट ऑफ कर देते, मास्केबल भी ऑफ कर देते, और उसके अंदर हम इमेज अप्लाई करके साइज दे देते 50x50 या 60x60। ओके, आप चाहो तो इसको आप आउटलाइन भी दे सकते हो, आई थिंक आउटलाइन वर्क करनी चाहिए, वर्क कर रही है 2-2, आउटलाइन भी सही से वर्क कर रही है क्लोज बटन पर। ओके, और साथ ही साथ प्लेयर शॉप का टैग्स देना हो तो भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर शॉप दे देते सिर्फ टेक्स्ट में, और बोल्ड फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेटिंग्स में से जो रेकास्ट टारगेट वगैरह है उसको हटा देते, सेंटर ले लेते, रैपिंग को डिसेबल कर देते, और यहाँ पर स्केल अप कर देते, या तो फिर प्लेयर्स शॉप साइज को कम करेंगे, ऐसा कुछ अगर टैक्स वगैरह देना हो तो दे सकते, वरना इसकी कोई इतनी ज़रूरत लग नहीं रही है, हम सिर्फ शॉप दे देते। या फिर हम फॉन्ट्स में जाते हैं, एक ये जो कॉमिक है इसका हम टेक्स्ट में स्क्रो का फॉन्ट सेट बना लेते हैं और इसके अंदर इसको असाइन कर देते हैं ये वाले फॉन्ट को। ओके, ये सही रहेगा।
तो ये हमारी प्लेयर सॉप रेडी हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो सही है। बाद में देख लेंगे, हम प्रॉपर अगर ग्राफिक आर्टिस्ट को देंगे तो वो और भी अच्छी हमें बना के देगा। या हमने टूटी फूटी जैसा भी हमें आता है डिज़ाइन करना, उस हिसाब से हमने रेडी किया हुआ है। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, ये जो शॉप वाली जो पैनल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन है उसकी जगह पर हमें जब हम ऑन करें तभी आए, तो उसके पहले एक काम करते हैं, प्लेयर शॉप के अंदर ये क्लोज बटन दे देते जिससे ये वाला ऑब्जेक्ट हम इसको वो कर सके, क्या बोलते हैं, क्लोज कर सके। तो एक पब्लिक वॉइड ले लेंगे, पब्लिक वॉइड क्लोज बटन, जिसको हम दे देंगे दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ओके, और हम असाइन कर ही देते ताकि हमें फिर से ये स्क्रिप्ट के अंदर आने की ज़रूरत ना पड़े। कहाँ गया हमारा, ओके नॉट इनफ पॉइंट ने बाकी सब तो असाइन किया हुआ है। क्लोज बटन कहाँ है हमारा, क्लोज बटन ये रहा। ओके, ऑन क्लिक पर प्लेयर शॉप के अंदर जाएंगे, प्लेयर शॉप का क्लोज बटन। ओके ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो डायरेक्ट हम टैप करते और प्ले होने लगता है उसकी जगह पर हमें करंट कैनवास के अंदर कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, जैसे कि ये करंट लेवल है, स्लाइडर है, दो चीज़ तो है ही, साथ ही साथ हम एक और पैनल लेंगे या फिर इमेज लेंगे, यूआई इमेज, रेकास्ट टारगेट ऑफ रहेगा या रेकास्ट टारगेट ऑन रखना पड़ेगा, और हम उसको ऑल्ट प्रेस करके स्ट्रेच फॉर फुल कर देंगे। उसका कलर हम ब्लैक ले लेंगे, ओपेसिटी इतनी रखेंगे। ओके, इसके अंदर हम यूआई इमेज लेंगे या फिर बटन लेंगे। ओके, बटन में से टेक्स्ट हटाते हैं और इसकी जो साइज है 150x150 कर देते हैं। स्प्राइट जो है हम हमारा जो रेक्टेंगल लिया हुआ है उसी को लेंगे। सॉरी, और इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे प्लेयर शॉप, या फिर प्लेयर शॉप के लिए बटन बना लेते एक, कैसा सही रहेगा, एक बटन अगर ये बना लेते हम, और विड्थ हम दे देते 200 600 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 ओके। तो यहाँ पर हम एक काम करते, दो बटन देते, ये इसको हम हाइट कम कर देते हम 100 से, और इसकी विड्थ कम कर देंगे 350 से, या फिर 200 250। ओके, इसको स्केल अप कर देते, एक होगा शॉप वाला बटन, इसको हम ऑल्ट प्रेस करके नीचे डाउन दे देते, एक होगा रिमूव एड्स बटन। ओके, शॉप बटन, और दूसरा होगा रिमूव एड्स बटन, क्योंकि हमें इन ऐप परचेस भी इंप्लीमेंट करना है, तो रिमूव एड्स बटन रिमूव एड्स पे दे देते, शॉप बटन पे दे देते, ये अभी टेम्पररी है। ओके, आप चाहो तो इसको स्क्वायर में भी बना सकते हो इस तरह से, एक काम करते स्क्वायर में ही बना दे, क्योंकि पूरा नीचे का भाग जो है वो पूरा का पूरा फिर वो हो जाएगा। हम दोनों को इसको भी रिमूव कर देते, सेंटर राइट में ले लेते, वन बाय वन ले लेते, 200x200 ले लेते, या फिर 150 सही रहेगा, 150x150 साइड कॉर्नर एंड या। तो ये हमारा प्लेयर शॉप रहेगा, और दूसरा बटन रहेगा हमारा रिमूव एड्स, इसको यहाँ पर हम ले लेते, जो कि होगा हमारा रिमूव एड्स बटन। ओके,
प्लेयर शॉप के अंदर हम हमारा जो इमेज है प्लेयर वन वाली डिफॉल्ट इमेज उसको हम ले लेंगे यूआई इमेज, इसके अंदर हम असाइन कर देंगे प्लेयर को, रेकास्ट टारगेट मास्क वाला ऑफ कर देंगे और जो इमेज है उसको थोड़ा सा अप लेके उसको फुल ग्रीन में प्रेस कर देंगे और ऑपेसिटी डाउन कर देंगे, ओके। और यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेंगे यूआई टेक्स्ट में प्रो शॉप, या फिर टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टैक्स लेने की कोई आवश्यकता लगती नहीं है हमें। तो शॉप बटन के अंदर जो बटन है उसको हम रेक्टेंगल देकर भी बता सकते हैं, जैसे कि ये वाला ग्रीन कर दिया। कुछ इस तरीके से। और रिमूव एड्स के अंदर रिमूव एड्स वाला आइकॉन ले लेते हम। तो एक काम करते हैं, रिमूव एड्स आइकॉन PNG सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि, या फिर एड्स सिर्फ ले लेते हैं, एड्स लिख के क्लोज कर रहा हुआ है, ये भी सही लग रहा है। इसमें जाते हैं ये सही लग रहा है, कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। तो क्या करना है, यहीं पर हम इमेज लेंगे और यहीं पर हम सेट कर देंगे। तो रिमूव एड्स में भी हम रेक्टेंगल अप्लाई कर देते हैं और कलर जो है वो ऑरेंज ले लेते हैं। रिमूव एड्स बटन के अंदर एक इमेज लेंगे जो कि होगी हमारी क्लोज इमेज, रेकास्ट मास्क ऑफ कर देंगे, क्लोज इमेज जिसको हम रेड दे देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेंगे UI टेक्स्ट मैच प्रो टेक्स्ट ADS, ओके। इसको फॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉमिक वाला, बोल्ड दे देंगे, कैरेक्टर स्पेस ज़्यादा दे देते हैं, इसको सेंटर में ले लेंगे, अनेबल से डिसेबल कर देते हैं रैपिंग, बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी ऑफ कर देंगे और इसको हम आउटलाइन दे देंगे 2-2। आउटलाइन इस पर वर्क नहीं कर रही है तो अभी रन देते चलो। सही है, अभी के लिए सही है। इसका हम एक काम करता आइकॉन वगैरह बना ही लेंगे ताकि झंझट ना हो। सिंपली अभी हमें क्लिक करके ओपन करवाना है बस, ओके। तो दो बटन्स हमने यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट शो करते रहना है, टैप टू स्टार्ट। होल्ड टू स्टार्ट या होल्ड टू प्ले ऐसा कुछ, होल्ड टू स्टार्ट, यहाँ पर हम लेंगे होल्ड टू स्टार्ट, यहाँ पर रैपिंग को ऑफ कर देंगे, रेकास्ट टारगेट वगैरह जो भी है वो सबको ऑफ कर देंगे, फॉन्ट ले लेंगे कॉमिक सेंस, बोल्ड ले लेंगे और उसको असाइन कर देंगे नीचे की साइड, सेंटर में ले लेते, और स्केल अप कर देंगे होल्ड टू स्टार्ट, ओके। कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसकी जो पैनल है ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा ओपेसिटी वाली रखनी पड़ेगी, जिससे अब हम ये जो होल्ड टू स्टार्ट वाला सेक्शन है इसको भी हम इमेज में ही डाल देते, ये वाली। और इसके अंदर हम एक UI बटन ले लेंगे, प्ले बटन, बटन कहाँ है हमारा UI बटन, इसको डिलीट करेंगे, बटन को
स्ट्रेच कर लेंगे पूरी तरीके से और इसको ऊपर दे देंगे। ओके, ऊपर देने के बाद में ये जो बटन है उसको हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे यहाँ पर। तो अगर इस सेक्शन के अंदर बटन पे क्लिक करते हैं, टैप टू स्टार्ट या होल्ड, टैप टू स्टार्ट, हमें जो बटन है हमारा स्टार्ट बटन, उसकी ओपेसिटी हमें डाउन कर देनी है पूरी तरीके से। ओके, और इसका जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है वो तो हमने बंद कर ही दिया है, तो हमें दिक्कत कुछ होगी नहीं। अब सिंपली क्या करना है, जब हम वन फर्स्ट टाइम पे क्लिक करने के बाद में जब हम गेम को प्ले करते थे उसकी जगह पर यहाँ पर हम प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे। तो प्लेयर होल्डर स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, पाथ फॉलोवर स्क्रिप्ट में, वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम चेक कर रहा है यहाँ पर। ओके, इधर वो फर्स्ट टाइम चेक कर रहा है अपडेट के अंदर, इज नॉट इज गेम कंप्लीटेड एंड इज नॉट इज गेम ओवर। तो लेवल मैनेजर में जाएंगे, यहां पर एक और बूल ले लेंगे, इज गेम स्टार्ट। ओके, इज गेम स्टार्ट को बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स ही रहने देंगे। यहां पर अपडेट फंक्शन के अंदर देंगे कि इफ नॉट इज गेम स्टार्ट हो, नहीं हमें तो फंक्शन यहां पर बनाना है, सॉरी, पब्लिक void हम ले लेंगे स्टार्ट बटन। एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है। ओके, स्टार्ट बटन के अंदर हमें सिंपली क्या करना है कि इफ नॉट इज गेम स्टार्टेड हो गए तो इज गेम स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू। ओके, या फिर ये वाला जो बटन फंक्शन है इसको हम बाहर ही ले लेंगे, स्टार्ट में इस गेम स्टार्ट होंगे वो फॉल्स कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम ले लेंगे प्लेयर्स शॉप या करंट कैनवास वाली स्क्रिप्ट में, गेम यूआई स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट दी हुई है ना, तो लेवल मैनेजर में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। यहीं पर उसको पेस्ट कर देते हैं और यहां पर हमें कुछ पब्लिक void सॉरी पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्टार्ट कैनवास या करंट कैनवास ओबीजे, करंट कैनवास नहीं जाएगी हम, स्टार्ट कैनवास जाएंगे। तो स्टार्ट कैनवास ओबीजे दो सेट एक्टिव फॉल्स कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू फॉल्स, सिंपल पत्तेरी। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट कैनवास ओबीजे जो है ये हमारा इमेज वाला सेक्शन, इसको यहाँ पर हम देंगे स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, लेवल मैनेजर के अंदर ये जो स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स है उसको हम असाइन कर देंगे यहाँ पर। जैसे स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेगा वो ऑफ हो जाएगा और गेम स्टार्ट हो जाएगी। अब उससे पहले हमें स्क्रिप्ट में जाकर जो हमारा पाथ फॉलोवर है यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, एंड लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम स्टार्टेड। अगर गेम स्टार्ट है, गेम कंप्लीट भी नहीं है और गेम ओवर भी नहीं है और गेम स्टार्ट है, तभी इधर वो फॉलो करेगा वरना नहीं करेगा। ओके, तो या अब हम फिर से यूनिटी में जाएंगे, अब हमारा जो प्ले बटन है स्टार्ट बटन
उसके अंदर लेवल मैनेजर को असाइन करेंगे। लेवल मैनेजर के अंदर गेम, लेवल मैनेजर की स्क्रिप्ट के अंदर गेम स्टार्ट या स्टार्ट बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। सही है, सही लग रहा है। चलो तो अब हम प्ले करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से लग रहा है। प्ले मैक्सिमाइज, हमने प्ले किया। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। ये बटन पे क्लिक हो रहा है, ये बटन पे भी क्लिक हो रहा है, और जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वैसे गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और साथ ही साथ हमें प्रोग्रेस जो है प्लेयर का प्रोग्रेस कहाँ पर है हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। एंड लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम स्टार्ट। ओके, गेम यूआई से, क्योंकि प्रोग्रेस भी हम लोग जब जब होल्ड कर रहे हैं तब तभी हम प्रोग्रेस को भी बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ प्लेयर शॉप, क्लिक करने से नहीं हो रहा। अब टैप टू स्टार्ट करा और या चलो सही से चल रहा है। गेम ओवर, रिस्टार्ट, लेवल वन स्टार्ट और रिस्टार्ट। चलो सब सही से चल रहा है। प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट डॉट अवेक, एक काम करते, ये वाली जो स्क्रिप्ट हमने प्लेयर शॉप पैनल में दी हुई है वो हमें हटानी पड़ेगी। उसको हमें पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा लेवल मैनेजर के अंदर, प्लेयर शॉप में से लेवल मैनेजर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और प्लेयर शॉप के अंदर जो क्लोज बटन है, टोटल कॉइंस होल्डर, इमेज है, ये सब कुछ हमें वहाँ से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना पड़ेगा। तो प्लेयर डिफ़ॉल्ट हमें लेवल मैनेजर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, और लेवल मैनेजर की प्लेयर शॉप डॉट सिलेक्ट प्लेयर। ओके, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, चलो 5 दिखता आ गया, ये तो सही चल रहा है। यहाँ पर भी हमें लेवल मैनेजर का जो प्लेयर शॉप है उसका क्लोज बटन देना होगा। क्लोज बटन के अंदर हमें क्या करना होगा, लेवल मैनेजर का प्लेयर शॉप है, यहाँ पर हमें प्लेयर शॉप पैनल का गेम ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर शॉप पैनल। ओके, और यहाँ पर दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव फॉल्स कर रहे थे, वहाँ पर हमें प्लेयर शॉप को फॉल्स करवाना पड़ेगा। और यहाँ से प्लेयर शॉप पैनल को हम यहाँ पर असाइन कर देते नीचे। कहाँ गई हमारी प्लेयर शॉप पैनल, ये रही। चलो अब सही है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से क्लियर करेंगे और प्ले करके देख लेंगे। ओके, सब सही चल रहा है। टैप टू स्टार्ट, गेम ओवर, रिस्टार्ट। रिस्टार्ट पर ये क्या है, मिसिंग गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, काय का है, प्लेयर शॉप पैनल सिलेक्शन इमेज। वो तो कुछ वक्त के लिए वो जो कॉल कर रहा है उसी के लिए है। अगर यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेयर शॉप पे क्लिक करे तब प्लेयर शॉप वाले पैनल को ऑन करना है। तो क्या कर लेंगे फटाफट से, हम फिर से करंट कैनवास में जाते हैं। कहाँ गए हमारी शॉप बटन,
लेवल मैनेजर, गेम यूआई स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम एक कर ले लेंगे, नहीं नहीं हो जाएगा, प्लेयर सॉफ पैनल स्क्रिप्ट है ना, क्लोज की जगह पे पब्लिक वॉइड सोप प्लेयर सॉप, और यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे, सिंपल। अब क्या करेंगे, हमारा जो शॉप बटन है वहाँ पर लेवल मैनेजर को ले लेंगे, प्लेयर शॉप में जाएंगे और सो प्लेयर शॉप क्लिक कर लेंगे। अब प्ले करते हैं, ओके, प्लेयर शॉप आ गई, क्लोज, प्लेयर शॉप आ गई, क्लोज, टैप टू स्टार्ट, रिस्टार्ट, प्लेयर शॉप परचेज सिलेक्टेड हो गया, अब टैप टू स्टार्ट चल रहा है, रिस्टार्ट, टैप टू स्टार्ट, रिस्टार्ट, प्लेयर शॉप परचेज्ड, न्यू, अब स्टार्ट, चलो सब सही से वर्क कर रहा है, अब कुछ दिक्कत नहीं है, एक उस वक्त के लिए सिर्फ कॉल कर रहा है मिसिंग ऑब्जेक्ट को, वरना ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके। तो अब प्लेयर शॉप के लिए जो एंटर एनिमेशन है ना वो थोड़ा दे देते, वो थोड़ा बकवास लग रहा है, तो एक काम करते हैं, प्लेयर शॉप के लिए हम एनिमेटर ले लेंगे, वहाँ पर से एनिमेशंस ले लेंगे, कहाँ पर जाएंगे, स्क्रिप्ट यूआई, नहीं स्क्रिप्ट में नहीं, एनिमेशंस यूआई प्लेयर शॉप, प्लेयर शॉप एंटर एनिमेशन, ओके। क्या करना है, सबसे पहले तो प्लेयर शॉप की जो ऑपेसिटी 172 है तो 10 या 15 पर 172 पे लाना है, ओके। फिर जो हमारा पूरा के पूरा इमेज है जो कि आएगा 30 में 150 पर, उसको नीचे से पूरा लेकर आना है, ओके। और जो हमारा टेक्स्ट है शॉप टेक्स्ट, उसको पोजीशन साइड से यहाँ से हमें 0 पर लेकर आनी है, ओके। और जो हमारा क्लोज बटन है उसकी पोजीशन रखनी है -73.5, तो यहाँ पर हम -73.5 ले लेंगे और वैसे हम इसको साइड में रख लेंगे। सेम चीज़ करेंगे टोटल कॉइन होल्डर के साथ, 50 रख लेंगे और वैसे इसकी पोजीशन साइड में रख लेंगे, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ओके। अब इसका लूप हम बंद कर देंगे एनिमेशंस में जाकर, और जब भी ऑन होगी हमारी प्लेयर शॉप तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, ये आया प्लेयर शॉप ऑन हुई तो इस तरह से आया, क्लोज कर दिया, प्लेयर शॉप ऑन हुई, तो या सही है। काम करते हैं, जो हमारी प्लेयर शॉप के अंदर जो बैकग्राउंड इमेज है ये वाली, इसका ऑपेसिटी हम फुली कर देते, और ये जो सिलेक्टर्स है सारे, सिलेक्टर को हम कहाँ गए, सिलेक्शन और सिलेक्शन, इसको हम कलर दे देंगे क्यान जैसा कुछ, कुछ इस तरीके का, ओके। अब प्ले करके देखते हैं, पर प्लेयर शॉप को पहले हमें ऑफ करना होगा, ओके। तो या आप देख सकते हो काफ़ी सही अट्रैक्टिव दिख रहा है, प्लेयर डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा, क्यों, कहाँ गया हमारा प्लेयर शॉप, डिफ़ॉल्ट में 0, सिलेक्शन वाइट,
चेक सिलेक्शन यहाँ पर हमने देना भूल गए, इसीलिए ऐसा हुआ। ओके, चेक सिलेक्शन वैल्यू यहाँ पर जीरो में भी दे देंगे। क्लियर ऑल प्लेयर क्रिप्स एंड डन। वो तेरी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने करंट कैनवास के अंदर जो हमारी प्लेयर शॉप पैनल है उसको ऑन छोड़ दिया। ओके सही है। 750 नॉट इनफ पॉइंट्स क्लोज फिर से। ओके नॉट इनफ पॉइंट्स ही आ रहा है। प्ले करेंगे। कुछ डिफरेंट प्लेयर्स आ चुके हैं हमारे पास प्लेयर शॉप। रिमूव एड्स पे हम रिमूव एड्स करवा देंगे। टैप टू स्टार्ट। चलो सही है। जो हमने लेवल मैनेजर के अंदर डिफॉल्ट जो हमने क्या बोलते हैं कॉइन्स असाइन करे उसको हम हटा देते ताकि गेम में कुछ लोचे ना पड़े बाद में से। एडिट क्लियर ऑल प्लेयर पिप्स यस। तो हाँ यहाँ पर हमारा